रुक जा दो रबदुरानी, रुक जा प्लीज। पश्मीना हटो सामने से। चलो भाई गुड बाय। भुक्कुस भुक्कुस मर गए सब कुछ। हट जा पश्मीना, पश्मीना हटो। पानी पीजिए प्लीज। तुम क्या करने जा रही थी? तुम्हें कुछ हो जाता तो ठीक हो ना? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम पागल हो क्या? देवी बनने को किसने कहा था बीच में आने को? तो क्या करती, तुम्हें मरने देती? अरे हाँ मरने देती, पर खुद को इस तरह खतरे में दोबारा मत डालना प्लीज। जान दे देती पर उस गधे को तुम्हें हाथ नहीं लगाने देती। पश्मीना तुम इस तरह की हरकत दोबारा। राघव अपने कमरे में नहीं, ना ही किसी ने उसे आते जाते देखा। जो भी हो तुम प्लीज, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो मुझे कुछ इशारा दीजिए। आपके आ जाने से हार्ट रेट स्टेबल हो रहा है, शायद आप इनमें जान डाल रही हैं। ऋषि मैं उस आदमी को छोड़ के ऐसे नहीं जा सकती। पता नहीं उसके साथ मेरा क्या नाता है, पर अपनापन सा लगता है। राघव ये तुम्हारे लिए, ऋषि ने कहा कि उषा मेरी बच्ची, माता रानी की कृपा से तू ठीक है। चिंटू पश्मीना एक मिनट प्लीज। जो मेरा मैसेज मिला ना हल्दी के साथ, ये हल्दी तेरे नाम की है चिंटू, संभाल के रखना। तेरी दुल्हनिया को मैं तेरे पास लेके आऊंगा। तो भाई तू जा कर रहा है? ये पश्मीना के हाथ से उतरी हुई हल्दी है, इस पर उसके होने वाले धूले का यह हक है, यानी कि तेरा। लड़के की उतरी हुई हल्दी लड़की लगाती है। जानता हूं, पर तुम दुनिया की सबसे स्पेशल लड़की हो पश्मीना, इसलिए तुम्हारे नाम की हल्दी मैं ऋषि तक पहुंचा दूं। आगे इधर।
पश्मीना बेटा शक मत कर मेरे भाई, वो बस यहां मुझे बचाने के लिए आई है। तूने देखा ना, उसका दामन एकदम साफ है, उसका मन एकदम पाक है ऋषि, तू विश्वास कर सकता है उस पर आंख बंद करके। वैसे हल्दी जा तेरे तुझ पे बहुत, तेरे शादी के मंडप तक तेरी दुल्हन को मैं लेके आऊंगा, आई प्रॉमिस। चल टाइम पे पहुंच जाना। नहीं एक्चुअली वो लोकेशन बहुत दूर है ना, तो मैं सोच रहा था कि शादी हाउस बोट पे कर लेते अगर प्रीति आंटी को भी प्रॉब्लम ना हो। अरे ऑफ कोर्स यार, चल ये तो बढ़िया आइडिया है। सी ब्रो, सी। पश्मीना बच्चे, मैं जानता हूं तुमने पारस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो सब कहा, तुम्हारे मुंह से अपने लिए वो शब्द सुन के मुझे एक बाप होने का फर्ज निभाना चाहता हूं। सच सच पता है क्यों कर रही है ये शादी? जबकि हम सब जानते हैं कि तू राघव को चाहती है, मतलब हम तो जानते ही हैं कि पापा चुप क्यों हो गया विनाश? सच्ची तो कह रहे हो तुम? मैं तुम्हारे और राघव के प्यार के खिलाफ थी, लेकिन आज समझ में आया कि तुम्हारा प्यार हमारे बस का है ही नहीं। इस धरती का है ही नहीं, वो तो दल से गहरा है, हिमालय से ऊंचा है और चिनार के पत्तों से ज्यादा, उससे ज्यादा है तुम्हारा प्यार। पर मामा ऋषि का क्या, मैं उसे ऐसे धोखा नहीं दे सकती। अगर आज पारस बीच में नहीं आया होता तो ऋषि और पश्मीना की शादी हो गई होती। वैसे भी इन दोनों का यही सपना है, और ऋषि ऋषि से अच्छा लड़का नहीं हो सकता पश्मीना के लिए, आई नो इट। इनफैक्ट उसकी जगह तो मैं भी नहीं ले सकता। पापा क्या आप मेरा हाथ ऋषि के हाथ में दोगे? ठीक है बच्चे, अरे चलिए आज शादी है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। मॉम, ऐश, पश्मीना, अभी अंकल, प्रीति जी, चलिए ऐश ये पकड़। तुम्हें कहा था ना कि कोई ऐसी जगह दिखाओ जो असली कश्मीर हो। लो देखो तुम्हारा घर, सालों से तुम्हारे इंतजार में है।
ये क्या किया तुमने? चख रही थी कि मीठा है कि नहीं, अब कड़वा सेब थोड़ा ना दूंगी तुम्हें। पश्मीना, सीट बेल्ट फंसा हुआ है, मैंने बहुत ट्राई किया। एक काम करो, तुम जाओ यहाँ से। हम कश्मीरी लोग अपनों को छोड़ के नहीं जाते। बोला था तुमसे निकल जाओ वहां से, लेकिन सुनती तो होनी, बहस करती रहती हो बस। क्या बात है, सुपर हीरो को बचाने का चस्का लग गया। कश्मीर की वादियों में ज्यादा फिल्मी बन गए हो। बड़ी हंसी आ रही है, हाँ? परी लग रहा है मेरे को नाचते हुए देख के। इससे बेहतर तो मैं एक ढंग से कर दूं। कौन सा? तुम जानना चाहते हो ना कि मैंने आपको कैसे पहचाना कि आप ही हो वो? एक एहसास सा हुआ, जैसे अंदर से कोई आवाज सी आई। आपको पहचानने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं आपको सदियों से जानती हूँ। जब आपने मेरी गोदी पे सर रखा और मेरा हाथ थामा और उस पे कुछ बनाने की कोशिश की, तभी मैं जान गई कि आप ही हो। मामा ऋषि का क्या? मैं उसे ऐसे धोखा नहीं दे सकती। तो क्या करती, तुम्हें मरने देती? अरे हाँ, मरने देती, पर खुद को इस तरह खतरे में दोबारा मत डालना प्लीज। जान दे देती, पर उस गधे को तुम्हें हाथ नहीं लगाने देती। मुझे अपनी मोहब्बत पर बहुत गुमान है पश्मीना, तुमने जो किया उसके लिए हिम्मत चाहिए। मुझे बहुत नाज है तुम पर, अपने प्यार पर पश्मीना। तुम जो फैसला ले रही हो सही ले रही हूँ। रीवा प्लीज अब लेक्चर शुरू मत करना तो दोबारा, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। क्या जानता है ब्रो? ऋषि तू यहां क्या कर रहा है? कुछ चाहिए तुझे? अरे क्या है, तू तैयार क्यों नहीं हुआ? तेरी बारात? अरे पश्मीना को वेट कराना चाहता है ना? सुन, झूठ मत मार, तुझसे होता नहीं है यार। मतलब? मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मुझे सच सच बता और मुझे देख के बता। देख मैं जानता हूँ तू क्या पूछने वाला है, बोर मत कर। यार तू बैठेगा यार, प्लीज मुझे बता, तू मेरी जगह होता तू क्या करता? तू एक लड़की से प्यार करता है, तू उस लड़की को हंसाता है, वो लड़की तेरे साथ खुश भी है और वो लड़की हमेशा तेरा साथ देगी। मगर तू ये भी जानता है कि उस लड़की का पहला प्यार तेरा बेस्ट फ्रेंड है, और उन दोनों ने बहुत छुपाने की कोशिश की लेकिन वो छुपा नहीं पाए। उनकी शक्लों पर उनका प्यार दिख गया, और तू सड़की को खुश रखेगा, तू कभी दुख नहीं देगा उसको। लेकिन यार जिस प्यार में दर्द होता है ना, वो बेइंतहा मोहब्बत वाला प्यार होता है, और वो प्यार तेरा है मेरा नहीं। ऋषि प्यार? अरे मुझे नहीं सुनना यार, तू फिर भी बोलेगा कि प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। मुझे सेकंड नहीं बनना है किसी का यार। तुम दोनों की मोहब्बत बता कैसी मोहब्बत है, जो सांसें रोक दे, जो धड़कने बढ़ा दे। मुझे बस ये जानना है कि अगर तू मेरी जगह होता तो तू क्या करता? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा, तू मेरी जगह होता तो क्या करता? अरे काश, काश ऋषि ये मजाक नहीं होता, काश ऐसा होता कि मैं तेरी जगह होता यार। काश मैंने उसे हंसाया होता, तेरी तरह रुलाया नहीं होता। लेकिन वो छोड़, तू अपनी बात कर। हाँ मैं करता हूँ पश्मीना से प्यार, मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं मर जाऊंगा उसके बिना, और वो मेरे बिना कभी खुश नहीं रहेगी। ये बात मैं देखो तेरे मुंह पे बोल रहा हूँ आज। बोल अब क्या करेगा तू? जाने देगा उसे? छोड़ देगा उसे? अपने मंडप पे नहीं जाएगा, मैं जाऊँ तेरी जगह? जाऊँ, शादी कर लूँ मैं उससे? हाँ मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, हमारे प्यार में रूहानियत है, दीवानगी है, पागल हूँ मैं, मर जाऊंगा उसके बिना। अब बोल क्या करेगा तू? छोड़ पाएगा उसे? रह पाएगा उसके बिना? नहीं रह पाएगा ना? पश्मीना मेरी है, आई लव हर।
मैंने एक सिंपल सा सवाल पूछा कि तू अगर मेरी जगह होता तो क्या करता? एक नंबर की घटिया बेहुदा लड़की आपकी मेरे बेटे की जिंदगी में पनौती बन गया, या पनौती? क्या कर रहे हो मॉम? संभाल पोषा, देखना रूम का एसी ऑन है कि नहीं। ये लड़की क्या कर रही है तू? कितनी बार कहा मेरे बेटे से दूर आकर, दूर नहीं हो सकती तू? मैं दोबारा तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, इंटरेस्ट में। इसके बाद मैं सवाल कभी दोबारा नहीं करूंगा। क्या तुम अभी भी राघव से? ऋषि, मैंने तुम्हें चुना है। ऋषि, बात तेरी है, मेरी नहीं है। बात पश्मीना की है, उसके फैसले की है। और उसने फैसला ले लिया है, उसने तुझे चुना है। मैं कोई नहीं होता उसके फैसले के बीच में आने वाला, उसके फैसले को बदलने वाला। वो तेरे साथ खुश रहेगी, मैं जानता हूं मेरे भाई। एंड आई एम हैप्पी फॉर यू बोथ, रियली। यही सुनना था मुझे। अब तू जाके प्लीज तैयार हो जा, शादी में ऐसे जाएगा अपनी पागल। जा दूल्हे राजा, सी यू। कुछ हेल्प चाहिए तो बोल दियो। पक्का। तुम्हारी खुशियों के आड़े अब मैं कभी नहीं आऊंगा पश्मीना, कभी नहीं। मेरा प्यार हार गया था, दुनिया के आगे झुक गया था, पर ऋषि तुम्हारे लिए हमेशा लड़ेगा, हमेशा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.